तो क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हो? खुश हो, आबाद हो? यार आज ना यूनिवर्सिटी में ना लेक्चर थोड़ा है पड़ा। मुझे दोस्त भी कह रहा था कि मींस के यूनिवर्सिटी यार, मैंने कहा आज मैं फिर मूड है बंक करने का, मींस के बंक किया छुट्टी करने का। उसने कहा छुट्टी ना कर, मैम ने कहा है कि यार मैं जल्दी फ्री कर दूंगी। तो फिलहाल मैंने कहा यार चलो फिर चल लेते यूनिवर्सिटी, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे एक कज़न भी मेरा बुला रखा उससे यार कि मेरे घर चक्कर लगा ले। मैंने कहा यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं, जैसे वहाँ से फ्री होंगे ना उसके बाद चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाने के बाद देखते हैं, अगर वहाँ कोई शुगर भी लो तो वो अटेंड करते हैं, वहाँ से आने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। पापा वाली निकाल चुप करके बैठ गया बगलो। यही है बस, यही है, ओके बस इतनी बोल क्या बस। हाँ, बस इतनी है। झूठ ना बोल, मैंने 10-12 देखे थे। अल्लाह की कह दी है ना, इतनी बोल के तीन गोल को मैं लाख लाख रुपए समझे। और गोल करनी पड़ी, और गोल के पड़ी होती जहाँ जी दो रख सकते हैं, और पड़े होते ना रखते हैं। ये पेन दर बेशक है ना, लेकिन संभालने का शौक किसको बड़ा है? बड़ा तुझे और किसको? हाँ तेरे पास चेक बुक भी नहीं है, सिक्की जोड़ी देते हैं तुम। कुछ सेंस है इस बात की? मैं क्या वॉलेट में चेक बुक लेके फिरूंगा? हैं यार चोर है तू तो। चोर? हाँ बेटा मैं जमात में चोर हूँ। क्या निकाल रहा है? कितने पैसे निकाल रहे हैं जल्दी बता। 50,000। जेब चेक करवा। हाँ चेक कर लो। चोर चोर के दे मेरे पैसे दे। निकल ले 100 भी आ यार। और गोल की दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। और है नहीं है बेटा, और नहीं है। टूटी मुझे पता है मामी, आपने सारी छुपाई हुई है। नहीं है सब मुझे पता है, जितनी आपकी 10-12 गोल की आपने छुपाई है ना। बेटे मां का फिर मां तो चूम लेना है मैंने। मुझे अपने घर जाना है। वो मुझे पता है, तू किसी की अमानत है, मुझे पता है किसी की अमानत है। माँ का तो हक बनता है, माँ भी माँ माथा सेरा, ये अमानत है, ये किसी की। मुझे छोड़ दो, ये अमानत मैंने खियानत नहीं करनी अपने बेटे के साथ। काफी आज जाने दे, मेरी इज्जत को खतरा लग रहा है इधर। One eternity later, भाई आया हूँ मैं कजन के घर। सीन ये था कि सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकला हूँ, यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ, क्लास अटेंड किया है, वहाँ से मैं फ्री हो गया था 11 बजे। अब 1 घंटा रह गया था पीछे, मैंने कहा क्या करूँ। कब से मेरा कजन मुझे कह रहा था कि यार मेरे घर भी चक्कर लगा ले 1 मिनट। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं तेरे पास आ जाऊँ। तो यही बताने के लिए पहले मैं ऊपर आया हूँ, मैंने कहा बता दूँ कि मैं ये यूनिवर्सिटी नहीं गया, बिल्लिया यूनिवर्सिटी नहीं गया, ओ सॉरी यूनिवर्सिटी गया था मैं, और जल्दी फ्री होकर ना इधर ही आ गया था। मैंने कहा फिर अब यहाँ से निकलना है घर, और अल्लाह का भला करे बस यार घर ही पहुँचते हैं और व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग नहीं, क्या बताते हो, व्लॉग एंड करना है नहीं करना यार समझ नहीं आ रही चीज़। जाकर घर जाके यार देखते, अगर कोई सूरत आ रहे तो ठीक है, नहीं तो व्लॉग घर जाके एंड करते हैं। तो यार फाइनली अभी मामू के घर से होकर आ गया मैं। मैंने भी जाना है बेटा मामू घर, तू ले जाओ जी, मुझे मामू घर ले जाओ। मैं तो अभी होकर आ रहा हूँ। मुझसे मामू घर ले जाओ, गलत है, मेरा काम है बेटा। यार अभी अभी वहाँ से मामू के घर गया, फिर वहाँ से तो
मुझे आप बताते ना, मैं फिर जाता ही ना उनके घर। अच्छा जाना लाजमी है अभी। अच्छा चलो यार, अभी मैंने तो ये सोचा था, मैंने कहा घर आना फिर शॉप पे जाना, फिर आज शॉप ही कराता मिस, मामू के घर ही चलते हैं फिर। कितनी देर में निकलना है फिर? 12 बजे। 10 मिनट रह गए फिर। चलो फिर आप ही रेडी हो जाओ ना। चलो चलो यार रेडी हो जाओ, निकलते हैं मामू के घर, आगे देखते हैं उनके घर क्या सीन है और दूसरे मामू के घर। 15 मिनट्स लेटर पहुंच गए मामू के घर। अब जाके पता चला मम्मा ने मुझे क्यों कहा था मामू के घर जाने का, इसलिए कहा था क्योंकि उनका घर ना कंस्ट्रक्शन हो रही है सारे काम की, ऊपर भी हो रहे हैं सामान शमान, मतलब वो ऊपर अच्छा छत बनवा रहे हैं अपनी, मामू ऊपर लगे हुए हैं सारे काम शाम करवा रहे हैं। मुझे याद नहीं आया ब्लॉग बनाने का, मैंने कहा यार ब्लॉग तो बनाऊँ, पता चला कि मामू के घर आया भी नहीं आया। ये देखो मैं दिखा दूँ इन्होंने क्या, ये घर की हालत इनकी पूरी बिखरी पड़ी है इस वजह से भाई। अलावा क्या कह सकते हैं, मम्मा को मैंने कहा यार अगर यही काम करा तो मुझे बता देती, कहते हैं उस मामू के घर तो नहीं गए ना जिस मामू के घर से तो वो कराया। मैंने कहा यार यह तो वही तो बात आपकी सही है अपनी, कि जहाँ से मौका है वहाँ तो नहीं है अपने, कोई और चला गया। बाकी यार मैं कोई बात कर रहा था, छोड़ो घर। और मैंने देखा यार कोई शुगर मेरा नहीं है अपना, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करता, कोई ऐसी कोई हरकत नहीं करता। अब लोग एंड करते हैं, लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त है भाई को, दुआ में ज़रूर याद रखना। मेरी मोटिवेशन ना आपके ना सब्सक्राइब से ही बढ़ेगी, अब सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा आ जाएगा यार। क्लिक करो यार सब्सक्राइब के बटन को जल्दी से जल्दी यार, लाइक करो शेयर भी करो यार। बाकी भाई की दुआ में ज़रूर याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।